lit this town like a fire in a blaze. Gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. तो तैयार होने के बाद क्या करते ना, पेड़ नहीं काटते, एक बार पेड़ काटे ना उगेगा नहीं, इसीलिए क्या पेड़ नहीं काटते, जो डालियां काटी जाती, डालियां काटने के बाद छाल निकालते हैं, इससे ना सुख छाल निकालने के बाद हो गया ना स्पाइस हो गया, तो छाल को रोस्ट करके पाउडर बनाते हैं, छाल को स्टीम करके ना ऑयल निकालते हैं, दोनों मेडिसिनली यूज होता है, ऑयल के अगर ना पेन नहीं कर ये बड़ा करता है। हाँ ये तैयार नहीं हो, 10 साल पहले लगता है तैयार होने के बाद, जब डालियाँ काटते हैं ना क्या करते, छोटा छोटा पीस कर वो भी तो जब 6-7 का होगा तो आप ना डालियाँ काटेंगे, तो ठीक है ऑयल जो स्टीम करके ऑयल निकलता है, दोनों मेडिसिनली यूज होता है, ऑयल का तो पेन रिलीफ का काम करता है, जो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मसल में दर्द, जॉइंट पेन के लिए दालचीनी का और किसी ऑयल के साथ मिक्स करके मसाज करो ना अच्छा होता है, ज़्यादा नहीं बहुत तेज रहता है, इसलिए क्या 2 से 3 ड्रॉप दालचीनी का ऑयल और किसी नारियल का ऑयल 10 से 12 ड्रॉप मिक्स करके मसाज करो, जॉइंट पेन के लिए अच्छा होता है। तो जो पाउडर होता है दालचीनी का पाउडर वो शुगर पेशेंट को शुगर को ना कंट्रोल में रखता है, जो पाउडर होता है दालचीनी का, और ये देखिए ये जो दालचीनी का पत्ता है इसको तेज पत्ता की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये तेज पत्ता नहीं है, तेज पत्ता रहता है ना वो अलग फट रहता है, वो तेज पत्ता रहता है, जो आप तेज पत्ता यूज करते हो कितना लंबा रहता है, पतला रहता है, बेंड नहीं होता, पूरा सीधा रहता है, ये देखिए थोड़ा बेंड है आपका, बेंड है, तो जो आप जो ओरिजिनल तेज पत्ता आपको वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट में मिल जाता है, ओरिजिनल तेज पत्ता पूरा खुशबू डाल ये कोको काकाओ कोको पाउडर काकाओ, ये पेड़ है कोको का पेड़ है, ये जो लगा ना ये कोको का पपिया जैसा दिखता है, इतना बड़ा रहता है पपिया जैसा, आइए देखिए लगा नीचे से लगा है, तो रेडी होने के बाद ना उसको निकालेंगे, निकालने के बाद अंदर से सीड रहता है, इसको रोस्ट करते हैं, पाउडर बनाते हैं जो कोको पाउडर चॉकलेट और केक के लिए, और एक रहता है ये ऊपर एक बटर जैसा लेयर भी रहता है, देखिए ये बटर जो व्हाइट रहता है वो खराब हो गया ना अभी, बटर जैसा लेयर रहता है, इसको बॉडी लोशन में यूज करते हैं,
तो सुना होगा आपको मार्केट का कोको बटर उसी का जो ऊपर का जो बटर बड़ी लसन में उसमें जो सिर्फ चॉकलेट और केक के लिए बताइए बहुत गर्म होता है खाने के लिए ना थोड़ा सा यूज करता है ज्यादा नहीं नींद बहुत आती है ज्यादा यूज करेगा ना नशा यहाँ दगड़ी फूल बोलता हूँ जायफल बिरयानी में भी डालते हैं थोड़ा सा यूज करते हैं गर्म गर्म मसाला भी डालते हैं थोड़ा सा सब कुछ थोड़ा सा यूज करते हैं ज्यादा जो खुलने वाला रेड होता है वो रेड ना रेड फ्लावर रेड जावित्री अभी लगा नहीं है ना हाँ अभी तैयार नहीं हुआ है सर जब तैयार हो जाएगा ना उसका गुच्छे में लगाई गई येलो कलर ना गुच्छे ऊपर फूल है नीचे ऑरेंज कलर होने के बाद ना ऑरेंज कलर होने के बाद वो रेडी हो जाता है रेडी होने के बाद उसको निकालेंगे एक साल तीन एक दो तीन 40 से 45 साल चालीस पैंतालीस साल तक उसके बाद हाँ कम हो जाएगा देना बंद हो जाएगा उसके बाद तो निकालते कैसे फिर चल कर पत्ते पान पत्ते जैसा दिख रहा है लेकिन पान पत्ता जो काली मिर्च ये जो छोटा छोटा ग्रीन कलर का लगा ना ये पेपर काली मिर्च पेपर जो छोटा छोटा ये छोटा पेपर अच्छा टाइप होता है पेपर टाइप होता है पेपर ग्रीन रेड ब्लैक एंड व्हाइट तो ग्रीन और जो रेड होता है ये नेचुरल होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसेसिंग करना पड़ता है जो कैसे बनाते हैं तो ये देखिए अभी ग्रीन है ना प्रोसेसिंग में जाता है जो खट्टे के लिए शरबत के लिए यूज करते हैं कोकम कोकम ये पेड़ कोकम का पेड़ है ये जो छोटा वाला पेड़ है ना अरे हमें टोकरी भर में छोटा छोटा लगा है अरे ग्रीन कलर का यस तो पांच पांच महीना कोकम ग्रीन कलर छोटा है सर देखिए ये कोकम जब रेड होने के बाद वो रेडी होता है उसको निकालेगा उसको खट्टे के लिए और शरबत के लिए यूज करते हैं खट्टे के लिए जो डाइजेशन के लिए ना बहुत अच्छा होता है घर में क्या करते हैं खट्टे के लिए इमली यूज करते हैं इमली यहाँ इमली के बदले जो कोकम का जो फ्रूट होता है ना उसको यूज करते हैं इमली के बदले बदले क्या लेमन ग्रास ना ऑयल जो मार्केट में लेमन ग्रास ऑयल जो क्या होता है ना एक्ने पिंपल जो फेस पे ब्लैक ब्लैक दाग रहता है ना उसके लिए यूज करते हैं लेमन ग्रास ऑयल तो क्या था लेमन ग्रास ऑयल 2 ड्रॉप और बादाम के ऑयल 10 से 15 ड्रॉप मिक्स करके मसाज करो अच्छा होता है इतनी पीपल जो ब्लैक ब्लैक रहता है दाल उसके लिए यूज होता है लेमन ग्रास ऑयल लेमन ग्रास में एक और भी है जी काजू जो नट एक ही नट उसका रहता है नट बाहर रहता है और नट को ना कभी देखा ना डायरेक्टली चुबाना नहीं एक ऐसी जलाएगा से खाने के लायक इसलिए क्या करते हैं धूप में सुखाते हैं सुखाने के बाद ना फिल्टरी भेज देते हैं अंदर रहते हैं काजू काजू को निकालने के लिए जो फल रह गया ना बुआ का बहुत फेमस लोकल ड्रिंक बोलते हैं इसको फेनी काजू फेनी बनाते हैं जो फल काजू फल से काजू फेनी बनाते हैं तो यहाँ जो सेटअप है ना ये काजू फेनी यहाँ बनाई जाती है अभी अभी मार्च का आखिरी महीने स्टार्ट हो जाएगा काजू फेनी बनाने के रूट पे रूट से बाहर अच्छा अंदर नहीं जमीन के अंदर से नहीं ये ऊपर से बाहर तो जितना रूट नया नया रूट निकले सो नया नया आ रहा है ना जितना रूट निकला 3 साल तक ना 3 साल बाद आपको मिल जाएगा एक से तो 30 से 33 से 40 ग्राम हिसाब से आपको जितना नया नया आएगा ना सबसे मिल जाएगा जितना भी बड़ा वाला 3 साल मैच्योर 2-3 था उधर वो आते हैं ना इधर निकाल कर ले जाते हैं होने के बाद ना वो रेडी हो जाता है रेडी होने के बाद उसको निकालेंगे निकालने के बाद उसको धूप रेडी होने को निकाल लिया जाता है तो इसीलिए उसका ये नहीं तो अभी 3 साल बाद सीजन नहीं रहता उसका तैयार हुआ ना वो आ जाएगा तो निकालने के बाद में क्या होता है ना उसको 3 साल बाद जो फूलों का हैंड पोलेशन करने के बाद 9 महीने के बाद आता है ना येलो कलर होने के बाद रेडी हो जाता है उसको निकालेंगे धूप में सुखाते ज्यादा नहीं धूप में सुखाते हैं तो कलर आ जाता है ब्राउन कलर मार्केट में तो वेनिला एसेंस जो आइसक्रीम जो सिंथेटिक रहता है जो ओरिजिनल नहीं तो क्या होता है आप देखो जो भी मिलता है मार्केट में ना व्हाइट रहता है देखो व्हाइट तो कलर रहता है ना एक्चुअली कलर होता है ब्राउन कलर जो व्हाइट आइसक्रीम जो जो रहता है ना वो भी तो व्हाइट कलर का जो आपको घर में चाहिए ना वेनिला का कोई भी जिसको क्या करना स्टिक मिलता है देखो मार्केट में उसे लेना है उसके साथ ना 1 kg शुगर लेना है
स्टिक रहता है ऐसा लंबा रहता है, ऐसा काटोगे। काटने के बाद शुगर के अंदर डालो, कवर करो, 8-10 दिन के बाद देखो वनीला का जो ऑयल है ना शुगर के साथ मिक्स हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा वनीला जैसा। इसको शुगर को कहीं भी यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम कहीं भी यूज करो, ओरिजिनल फ्लेवर आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है होता है, हाँ जो पत्ता नहीं होता ना कैसे ऑयल निकालते, क्या करते ना ऑयल ऐसे काटने के बाद ना चम्मच से ऑयल निकालते तो पूरा ऑयल नहीं निकलता है, रह जाता है। इसीलिए शुगर के अंदर डालने से ना आपको पूरा सूप को मिक्स हो जाता है, जो उसे कैप्चर कर लेता है शुगर के साथ मिक्स हो जाता है। एक स्टिक से आपको यूज कर सकते हैं 5 kg तक शुगर यूज कर सकते हैं एक स्टिक से। तो कितनी बार, 3 बार स्टिक को ना 3 बार यूज, एक बार में ऑयल नहीं खत्म होगा। इसीलिए 1 kg में डालो, 10 दिन के बाद उसको निकालो, उसके बाद और 1 kg में डालो, के बाद और इसमें जो ओके रहा तो 3 kg में यूज, नहीं तो आप ऐड भी स्ट्रांग हुआ तो फ्लेवर स्ट्रांग हुआ ना आप ऐड भी कर सकते हैं 5 kg तक आप यूज कर सकते हैं। इसी से कॉफी होती है, इसी से डबल शीट ना कॉफी होती है, इसको बोलते हैं मेल, जो सिंगल शीट मिलता है उसको बोलते हैं कॉफी। आज आज